नमस्कार, बिजनेस रेमिडीज़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। बिजनेस रेमिडीज़ के दर्शकों के लिए आज हम लेकर आए हैं गुजरात के महसाणा आधारित कंपनी पशुपति कॉटस्पिन लिमिटेड के बारे में ज़रूरी जानकारियां। 2013 में निगमित पशुपति कॉटस्पिन लिमिटेड कपास की जीनिंग, सूती धागे की कताई और परिसीमन प्रक्रिया के माध्यम से कपास के प्रसंस्करण के व्यवसाय में लगी हुई है। कंपनी कपास की गांठे, सूती धागे और काले कपास के बीज प्रदान करती है। आइए अब रुख करते हैं कंपनी के आईपीओ की ओर। अगस्त 2017 में एनएसई इनमच प्लेटफॉर्म पर कंपनी का आईपीओ आया था। तब कंपनी ने 27,84,000 शेयर 75 रुपये प्रति शेयर के भाव से जारी कर 21 करोड़ रुपए जुटाए थे। कंपनी के आईपीओ का प्रबंधन प्रमुख लीड मैनेजर कंपनी हेम सिक्योरिटीज़ लिमिटेड द्वारा किया गया था। वर्तमान में कंपनी के शेयर का भाव करीब 500 रुपये है। कंपनी पवन चक्की ऊर्जा, जो 17 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा उत्पन्न करती है, समूह ने सूखी पत्तियों को संसाधित करने और जैविक कचरे को उर्वरक में बदलने के लिए 35,000 किलोग्राम प्रति वर्ष की क्षमता वाली एक मशीन स्थापित की है। आइए अब नज़र डालते हैं कंपनी के पिछले कुछ सालों के वित्तीय प्रदर्शन पर। वित्त वर्ष 2022 में कंपनी ने 661 करोड़ रुपए का राजस्व एवं 11 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ और वित्त वर्ष 2023 में कंपनी ने 443 करोड़ रुपए का राजस्व एवं 4 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में कंपनी ने 658 करोड़ रुपए का राजस्व एवं 8 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया था। कंपनी की लाभांश भुगतान दर 19.9% के स्तर पर बनी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पिछले 10 वर्षों में कंपनी के शुद्ध लाभ में 44% की वृद्धि और 12% का रिटर्न ऑन इक्विटी दर्ज किया गया है। भारत में कपड़ा और परिधान उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। भारत दुनिया में पीपीई का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता भी बन गया है। आपको बता दें, भारत में 600 से अधिक कंपनियां आज पीपीई का उत्पादन करने के लिए प्रमाणित है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भविष्य उज्ज्वल है और इस स्थिति का फायदा इस क्षेत्र में कार्यरत पशुपति कॉटस्पिन लिमिटेड को भी लंबे समय तक मिलेगा। चलिए अब आपका परिचय करवाते हैं कंपनी के प्रवर्तक एवं उनके अनुभव से। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सौरेन जे पारिक के अनुसार, पशुपति में हम अपने दृष्टिकोण, मिशन और मूल्यों द्वारा निर्देशित होते हैं। जैसे ही हम कपड़ा उद्योग में अपने 27वें वर्ष में कदम रख रहे हैं, हम स्थिरता को अपने परिचालन के केंद्र में रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पशुपति में हमारा उद्देश्य एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है जो हमारे किसानों, कर्मचारियों, बड़े पैमाने पर समाज जैसे हमारे साथ जुड़े सभी लोगों के लिए उपयुक्त हो, और हमारा मानना है कि यही हमें एक परोपकारी प्रतिबद्ध उद्यम बनाएगा। तो यह थी गुजरात के महसाणा आधारित कंपनी पशुपति कॉटस्पिन लिमिटेड के बारे में जरूरी जानकारियां। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी बाजार और आईपीओ मार्केट के साथ ही हर जरूरी समाचार से हम आपको करवाते रहेंगे अपडेट। देखते रहिए बिजनेस रेमेडीज की डिजिटल कॉपी। वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना ना भूले। साथ ही चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।